स्टूडियो से पीछे घूमने के लिए, और पीछे का एरिया ये तालाब है यहाँ पे, देखो कितना सुंदर लग रहा है। पीछे तालाब। तो गाइस यार, आज मैं आपको लेके आया हूँ बढ़िया में एक बार फिर से। पिछली वीडियो में आपने देखा वो आऊ का तालाब था, तो आज मैं लेके आया हूँ जस्ट मिस्टर इंडियन हैकर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका घर हो रहा है वो मेरे पीछे। जस्ट यकीन मानो चाहे मत मानो, वो का वही है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़े दिनों पहले सौरभ जोशी भाई और मिस्टर इंडियन हैकर ने ब्लॉग डाले थे यहीं पर, तो हमने भी उस जगह पर विजिट कर लिया है। बहुत शानदार जगह है, ये रहा मेरे पीछे देखना एक बार, ये रहा पीपल का पेड़ है यहीं से, और ये वो रास्ता जहाँ से वो कैंपर आई थी, और यहीं यहाँ आया थोड़ा आगे कैंपर रुकी थी, और सौरभ भाई ने मतलब जोक वोक भी कुछ मारे थे, और तालाब वगैरह वो तालाब, ये वही तालाब है जहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो पिछली वीडियो में बताया था वो भी रियल है, और ये भी 100% रियल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको बता दें कि वही है उनका घर, और उन्होंने पिछली वीडियो में कहा था मेरे घर के पीछे तालाब, और ये वही तालाब है। गाइस हमने तो यहाँ विजिट कर लिया है, बहुत शानदार जगह है, मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। एक बार यहाँ से आपको सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, बहुत शानदार सिनेमैटिक शॉट भी आते हैं गाइस इधर। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे नीचे और लेते हैं इसका व्यू सिनेमैटिक। पहले नीचे जाने का रास्ता तो है नहीं यार गाइस, तो मैं सीधा ही जा रहा हूँ यार। भाई सुंदर देख के यार, किसी ने कारनामा क्या खतरनाक किया, मतलब कितने ऊंचे पहाड़ पे झंडा लगा दिया। शायद आपको झंडा दिख रहा है, नहीं दिख रहा मैं नहीं पता। वो शानदार है, पता नहीं किसने लगाया है।